हमारे साथ समाजवादी विजय रथ पर समाजवादी पार्टी के इस क्षेत्र के प्रत्याशी विजय बहादुर जी, मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में हमें समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। मंच पर जो हमारे पीछे है समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मैं देख रहा हूं कि जहां हम लोग खड़े हैं उसके सामने जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमें बाईं तरफ भी पीछे की तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं और जिधर हमें जाना है चारों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये उत्साह और जोश बता रहा है कि गोरखपुर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम कर रही है। ऐसा जोश और उत्साह पहले नहीं देखा कभी। इस बार ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है ये बदलाव का जोश है, ये परिवर्तन का जोश है और उन्हें सबक सिखाने का ये उत्साह जोश है जिन्होंने 5 साल न केवल उत्तर प्रदेश की जनता को दुख दिया है बल्कि सबसे ज्यादा गोरखपुर की जनता को जेब खाली होगी इसकी। है थोड़ी कैसे इसकी भी जेब खाली है, बाबा मुख्यमंत्री ने इसकी भी जेब खाली करा दी। ए भाई उधारी का कार्ड रखो अपना, लगता है पैसे वाला है, प्लेटिनियम डेबिट कार्ड रखे हुए हैं। किसका है? लो भाई किसने फेंक दिया? अरे ले अभी तक जो कागज आ रहे थे हमारे पास ऊपर, ये जो कागज आ रहे थे आपने देखा होगा कोई ना कोई कागज देख रहा था, ये वो नौजवान बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो अपनी दरखास्त देख रहे ऊपर। इनको भरोसा है इनके भाग्य और भविष्य को कोई बना सकता है तो समाजवादी लोग बनाने का काम करेंगे। इधर आपने देखा होगा चुनाव और पहले चरण से जनता ने समाजवादियों की मदद करना शुरू की है। मैं देख रहा हूं पहले चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जनता ने समर्थन दिया। पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने डबल शतक लगा दिया और 5वां वोट भी पड़ गया है 5वें चरण का भी। ये पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और जनता
हर चरण में मुकाबला कर रही है और तय कर रही है कि इस चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें जिताएं। आपको छठवें चरण में वोट डालना है और लग ये रहा है कि छठवें चरण वाले इस बार भारतीय जनता पार्टी को छांट के रख देंगे। यहाँ गोरखपुर के लोगों, आपके बाबा मुख्यमंत्री 5 साल न जाने क्या करते रह गए। जब सदन में थे मुझे उनके सामने बोलना था तो मैंने उन्हें याद दिलाया कि अब सरकार में आप आ गए हो, अगर अभी काम नहीं शुरू करोगे तो 5 साल ऐसे ही बैठे रह जाओगे, समय कम निकल गया पता नहीं लगेगा। और बताओ, चुनाव आ गया है, पूरा प्रदेश हम घूम चुके हैं और पूरा प्रदेश देखते हुए आ रहे हैं। मैंने ऐसी नाराजगी जनता की सरकार के खिलाफ कभी नहीं देखी जो इस बार देखने को मिल रही है। और मुझे तो लगता है कि जहां प्रदेश में हर जगह हार रहे हैं, इस बार गोरखपुर में भी हो सकता है कि बाबा मुख्यमंत्री के खिलाफ लोग वोट डाल रहे हैं। ये जो बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, 4 चरणों के बाद बताओ इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए। और न केवल ठंडे पड़ गए हैं, इनके कार्यकर्ताओं ने अपनी गाड़ी से झंडे उतार लिए हैं। और जब से ये जन समर्थन मिलना शुरू हुआ है, इनके नेताओं ने अपने घरों से भी झंडे उतार दिए। ये जो गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो अपने नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये 3 साल से फौज की भर्ती नहीं हुई, हमारे नौजवान दौड़ दौड़ करके तैयारी करते रहे, सुबह दौड़े शाम को दौड़े, सड़कों पे दौड़े खेतों में दौड़े, जहां मिला मौका वहां दौड़ते रहे। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 3 साल फौज की भर्ती नहीं निकाली, न फौज का सहयोग किया भर्ती के लिए। इसलिए अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके आपको वर्दी पहनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये दरोगा भर्ती कभी समाजवादियों ने निकाली थी और आज भी भर्ती नहीं हो पाई, नौजवानों को नहीं मिली। इसलिए दरोगा भर्ती 2016 को जो हमारे नौजवान मांग कर रहे हैं, सरकार बनेगी तो इनकी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीएड टेट वाले जानते हैं कि अब इनका इंतजार खत्म हो गया। इंतजार खत्म हो गया कि नहीं, अब कितने दिन बचे हैं बताओ। जो आपने इतने सालों इंतजार किया, आपका 1 हफ्ते में इंतजार खत्म होने जा रहा है कि नहीं। इन बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये 57,000 वाले शिक्षक भर्ती जानते होंगे और यहाँ जितने पढ़े लिखे नौजवान और हमारे बुजुर्ग जानते होंगे कि जब से बीजेपी की सरकार आई, 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई। प्राथमिक शिक्षा पूरी बर्बाद हो गई और जो लोग समझदार जागरूक लोग हैं वो जानते होंगे 11 लाख पद खाली है नौकरी के,
लेकिन बाबा जी जो 24 घंटे काम करते थे, पता नहीं क्या काम करते थे, कि 11 लाख पद खाली हैं और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इन सबको समायोजित कर करके और आपको शिक्षक नई भर्ती निकाल करके हम आपकी मदद करने का काम करेंगे। ये भरोसा है कि नहीं है? बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, कहने को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बताओ झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इन्होंने किसानों से कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, बताओ हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? जब धान लेके गए होगे तो आपके धान खरीद केंद्र में धान नहीं खरीदा गया, धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, बताओ सब कुछ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये जो हवाई जहाज है ये हवाई जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, पानी के जहाज जहां होते वो बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन और रेलवे स्टेशन बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और वो इसलिए बेच दिया क्योंकि पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा फिर नौकरी कहां मिलेगी, इसलिए बेचने का काम कर रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं, हम 12 बजे सोके उठते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सोके उठते हैं। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सोके उठता हूं, मैंने भी उनके घर पर नजर रख ली है और अब मैं देखता हूं कि जो मुख्यमंत्री आवास है शाम को कभी कभी धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ अधिकारी बता रहे थे